सुपर 8 मुकाबलों से पहले टीम इंडिया के सामने मुंबई खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां। यूएसए चैप्टर खत्म, अब कैरिबियन आइलैंड में होगा टीम इंडिया का कड़ा इम्तिहान। सुपर 8 के लिए कोच और कप्तान रोहित को करना होगा ऐसा काम जो आज तक नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत का यूएसए लीग खत्म हो चुका है। अब टीम इंडिया अपने अगले पड़ाव यानी सुपर 8 राउंड के लिए वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। यूएसए में सब कुछ सही नहीं था, खराब पिचे, खराब आउटफील्ड, बारिश के चलते धुले मुकाबलों ने थोड़ा मजा किरकिरा जरूर किया, लेकिन भारत आसानी से यहां पहली बाधा पार कर गया। अब सुपर 8 राउंड में उसकी पहली टक्कर अफगानिस्तान, दूसरी टक्कर बांग्लादेश और तीसरी ऑस्ट्रेलिया से होगी। सुपर 8 राउंड में हर ग्रुप से दो टीमें तीसरे राउंड में बढ़ेंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो रोहित शर्मा के लड़ाके 27 जून को गुयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे। अमेरिका के फोर्ट लॉडरहिल में कनाडा के खिलाफ आखिरी लीग मुकाबला खराब मौसम के चलते रद्द हो जाने के बाद से टीम इंडिया के प्लेयर्स को अपने पैर जमाने और थोड़ा आराम करने का समय जरूर मिल गया, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू होनी है। चलिए एक नजर डालते हैं कैरिबियन आइलैंड में भारतीय टीम को किस तरीके से तीन चुनौतियों पर पार पाना होगा। पहली चुनौती, एकदम नए और अलग हालात। भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ अपने मैच की तैयारी के लिए 17 जून को बारबाडोस में नेट्स पर उतरेगी, मगर दोनों ही टीम ने इस टूर्नामेंट में बारबाडोस में एक भी मैच नहीं खेला और उन्हें परिस्थितियों के अनुरूप ढलना होगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज दो अलग अलग जगह हैं जहां की स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। एक अपनी पिच से तेज गेंदबाजों को मदद करता है जबकि दूसरा स्पिनरों को मदद करता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ग्रुप स्टेज का एक मैच यहां के किंगस्टन ओवल मैदान पर खेला गया था जहां ऑस्ट्रेलिया टीम ने 201 रन बनाए थे। फिर लेग स्पिनर एडम जैम्पा ने बेहतरीन स्पेल निकालकर मैन ऑफ द मैच बने। दूसरी ओर भारत ने न्यूयॉर्क के लिए नसाउ काउंटी ग्राउंड में अपने 3 ग्रुप मैच खेले, वहां हालात बिल्कुल जुदा थे। भारतीय टीम को कैरिबियन में अलग अलग परिस्थितियों के बीच अपनी रणनीति बदलनी होगी। दूसरी चुनौती, स्पिन कॉम्बिनेशन। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में अपने तेज गेंदबाजों के भरोसे जीत हासिल की, लेकिन अब वेस्टइंडीज में धीमी और टर्निंग पिच के कारण उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर शामिल करना होगा। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की एंट्री प्लेइंग 11 में हो सकती है, हालांकि दोनों में से कोई भी अब तक टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं खेला, ऐसे में मोहम्मद सिराज का बाहर होना तय है। दूसरी ओर अफगानिस्तान के पास राशिद खान की अगुवाई में मोहम्मद नबी और नूर अहमद जैसे दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। तीनों आईपीएल भी खेलते हैं और भारतीय बल्लेबाजों की ताकत और कमजोरी सब कुछ जानते हैं। और तीसरी चुनौती, ऑस्ट्रेलिया का कड़ा इम्तिहान। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से कड़ी चुनौती साबित हुआ है। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, ऐसे कई मौके आए जब आईसीसी ट्रॉफी में कंगारुओं ने भारत का सपना तोड़ा। अब एक बार फिर पीली जर्सी वाले हाहाकार दैत्य टीम इंडिया के लिए सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी बनकर उभरेंगे। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अच्छा है। हालांकि भारत ने T20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-2 की बढ़त बना रखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों में बड़ा काम करने वाली टीम है जो ग्रुप लीग में अपने सारे मैच जीतकर सुपर 8 राउंड में आ रही है। तो अब देखना होगा सुपर 8 मुकाबलों में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है और इन तीन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।